हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग इन अकेडमी। तो आज हम बात करेंगे 6 सितंबर की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। कौन कौन सी खबरें न्यूज़पेपर में रही, कुछ अन्य माध्यमों से हमें कुछ यहाँ पर संज्ञान में लिया गया है और क्या क्या महत्वपूर्ण रहा यहाँ पर विज्ञप्तियों के बारे में, तो उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो 39 शिक्षकों को यहाँ पर शैलेश भटियानी पुरस्कार दिया गया। वन दरोगा भर्ती में 2 मामलों में यहाँ पर गिरफ्तार की गई हैं, 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और 6 के खिलाफ कल मुकदमा यहाँ पर लिखा गया था। तो इनकी संख्या भी अब लगातार यहाँ पर बढ़ने वाली है। यूकेएसएससी पेपर लीक मामले में भी नई खबर यहाँ पर आई है। तो आप देखते हैं कि जिस तरीके से यूकेएसएससी मामले में गिरफ्तारियाँ की गई थी, अब उनकी संख्या यहाँ पर 34 हो चुकी है और वन दरोगा मामले में भी कुछ इसी संख्या हमें यहाँ पर दिखाई देने वाली है। आप समझ सकते हैं कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार कहाँ तक व्याप्त है। इसको समाप्त करने के लिए सरकार को एक अलग स्टेप यहाँ पर लेना होगा, चाहे वो विधानसभा की भर्तियाँ रही हों, जिस तरीके से उनमें अनियमितता को किया गया है। तो अगर हम देखना होगा कि भ्रष्टाचार यहाँ पर कहाँ तक व्याप्त है। नेक्स्ट हमारे पास खबर है कि FGI की नई वैकेंसी आई है। अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप प्लीज़ वो फॉर्म फिल करें, डिटेल में बात करेंगे हम इसी वीडियो में। और UPSSC का जो PET वाला जो एग्ज़ाम होता है उसकी वैलिडिटी बढ़ाने की बात यहाँ पर की गई है। तो इन सभी खबरों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं यहाँ पर, ये जो फोटो है ये वायरल हो रही है सोशल मीडिया साइट्स पे, न्यूज़पेपर में भी। तो आप देखिए जिस तरीके से ये बच्चा यहाँ पर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहा है स्ट्रीट लाइट में, तो ये एक तरीके से हम देखते हैं इसका एक साहसीपूर्ण कदम है। और ये जो व्यवस्था है उसके मुँह पर भी एक तमाचा यहाँ पर है कि कितनी व्यवस्था हम अपने नागरिकों के लिए यहाँ पर कर सकते हैं, कि वहाँ पर उनके घरों में सही तरीके से लाइट की व्यवस्था भी नहीं है। हम इस बच्चे के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। तो अब चलते हैं अपनी खबरों की तरफ। 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस, और इसी दिन यहाँ पर 39 शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार दिया गया है और राज्यपाल ने इनको यहाँ पर सम्मानित किया, जो राज्यपाल हैं उत्तराखंड के जनरल गुरमीत सिंह, जो एक सैनिक अधिकारी रहे हैं, तो उनको यहाँ पर इन्होंने सम्मानित किया है। अगर हम बात करते हैं जो ये पुरस्कार है, ये जो शैलेश मटियानी पुरस्कार है ये शिक्षकों को दिया जाता है उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। और यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर महत्वपूर्ण है। तो राज्यपाल ने समारोह में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार देहरादून के रहने वाले रमेश बड़ोनी और बागेश्वर के डॉक्टर कैलाश नंद कांडपाल जी को यहाँ पर सम्मानित किया। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। 39 शिक्षक पूरे रहे थे यहाँ पर जिनको पुरस्कार दिया गया। 2021 के लिए एक पूरी लिस्ट है यहाँ पर, आप इसको एक बार देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। नेक्स्ट खबर हमारे से संबंधित है यहाँ पर वन दरोगा से। वन दरोगा भर्ती में नकल कराने वाले 2 व्यक्तियों को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है और ऑनलाइन हम आपको पता चले कि जो यहाँ पर वन दरोगा भर्ती थी उसको यहाँ ऑनलाइन ही यहाँ पर कराया गया था, ऑनलाइन ही परीक्षा हुई थी और 2 गिरफ्तारी यहाँ पर की गई है हरिद्वार से। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों यहाँ पर उत्तरकाशी चर्चा में रहा था, अब हरिद्वार का यहाँ पर नंबर आ चुका है यहाँ पर चर्चा में रहने का, जो वन दरोगा भर्ती के लिए। तो अगर हम बात करते हैं, कल 6 के खिलाफ यहाँ पर मुकदमा लिखा गया था और आज 2 गिरफ्तार की गई हैं, तो कुल मिलाकर 8 संदिग्ध यहाँ पर अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और कंपनी के कुछ अधिकारी भी यहाँ पर रडार पर हैं STF की। कुछ कंपनी के मिली भगत से ही यहाँ पर नकल कराई गई है, उनके बिना यहाँ पर संदिग्ध थे, यहाँ पर वो जो नकल थी उसको यहाँ पर नहीं कराया जाता। तो STF ने का मानना है कि कंपनी कुछ अधिकारी भी यहाँ पर इस पूरे प्रोसेस में उनके साथ थे। अच्छा, जिसने यहाँ पर वन दरोगा भर्ती जो इस कंपनी ने यहाँ पर कराई थी मध्य प्रदेश में, वही भर्ती यहाँ पर ब्लैकलिस्टेड है। एक बड़ी समस्या है कि व्यापम घोटाला, बहुत बड़ा घोटाला था यहाँ पर मध्य प्रदेश में, उसकी ब्लैकलिस्टेड कंपनी से ही यहाँ पर वन दरोगा का जो एग्ज़ाम था वो कराया गया। अब आप समझ सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर भ्रष्टाचार है पूरे उत्तराखंड में, कि ब्लैकलिस्ट हुई कंपनी से ही यहाँ पर जो पेपर कराया है। और यह जो पेपर इन्होंने कराया है मध्य प्रदेश में, 6 महीने की जाँच के बाद अगस्त 2021 में कंपनी यहाँ पर ब्लैकलिस्ट हो चुकी है, जो NSEIT कंपनी है। और उसी कंपनी से ही UKSSC ने वन दरोगा वाला जो एग्ज़ाम था वो कराया था। व्यापम घोटाला अपने आप में बहुत बड़ा घोटाला था मध्य प्रदेश का, अक्सर वो न्यूज़ में भी यहाँ पर रहा था। और इसमें एक और बड़ा ही पेंच यहाँ पर फंस चुका है कि शशिकांत के तार भी, जिसको UKSSC पेपर लीक में यहाँ पर गिरफ्तार किया गया था, उसके तार दोनों ही तरफ जुड़े हुए हैं, वन दरोगा भर्ती में भी और जो वीडियो वीपीडियो वाले जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी। तो दोनों ही तरफ से इसने जो है यहाँ पर भ्रष्टाचार किया है और यहाँ पर जो अभ्यर्थियों को पास कराने का यहाँ पर इन्होंने जिम्मा लिया था। अच्छा, मध्य प्रदेश में हुई जांच से हमें पता लगा है कि गलत तरीके से पेपर डाउनलोड हुआ था और 10 फरवरी 2021 को दोपहर 1:30 पर लॉगिन हुआ और पेपर डाउनलोड पॉय भी यानी व्यापम के कंप्यूटर से नहीं बल्कि किसी और मशीन से हुआ था।
फिर जमकर नकल हुई। इन तीन परीक्षाओं में 3 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी बैठे हुए थे, ऐसा ही यहाँ पर बंदरगाह भर्ती में भी हमें देखने को मिला। तो यहाँ पर एसटीएफ का क्या कहना है उसके देखते हैं कि कंपनी की भूमिका संदिग्ध है और इस मामले में जांच की जा रही है। अन्य प्रदेशों से भी इसकी जानकारी जुटाई जा रही है और जांच के बाद इसमें जो कुछ भी खुलासे हो सकते हैं वो यहाँ पर किए जाएंगे। तो बंदरगाह भर्ती भी अब चर्चा का विषय बन चुकी है, जैसे वीपीडीओ और वीडियो वाला जो एग्ज़ाम हुआ था, अब ऐसे ही यहाँ पर हमें देखने को मिलने वाला है। व्यापम घोटाला जैसा यहाँ पर घोटाला ना बन जाए हमारा उत्तराखंड वाला घोटाला, जो भर्ती घोटाला यहाँ पर हुआ है। तो साइबर पुलिस के इसके दौरान की जांच करी है कि कृषि विस्तार अधिकारी नर्सिंग और ग्रुप 2 की सहायक की जो संप्रेषक की परीक्षा थी उसमें भी यहाँ पर धांधली की गई थी, जो व्यापम घोटाला था। तो काफ़ी बड़ा घोटाला यहाँ पर रहा था व्यापम घोटाला, और उसकी ही ब्लैकलिस्ट कंपनी को यहाँ पर जिम्मा दिया गया पेपर कराने का। तो बात करते हैं वीडियो वाला जो एग्ज़ाम हुआ था, उस पर मूसा की इनाम राशि यहाँ पर बढ़ाई गई है और गैर जमानती वारंट भी यहाँ पर हासिल करने की प्रयास कर रहा है एसटीएफ, और लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया है इन दोनों के खिलाफ। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो इसका मास्टरमाइंड रहा है मूसा, उसकी दुबई भागने की आशंका यहाँ पर बताई गई है कि वो यहाँ से दुबई भी निकल चुका है, और इसका जो दूसरा साथी रहा था यहाँ पर योगेश्वर राव, उसकी नेपाल भागने की आशंका है। तो ये दोनों ही यहाँ पर दूसरे देशों में जाकर छिप चुके हैं। अब देखना होगा कि यहाँ पर एसटीएफ क्या रुख अपनाई जाती है। हमारा तो मानना ये है कि जिस तरीके से ही अब इसके तार राज्यों के बाद देश से जुड़ने स्टार्ट हो चुके हैं, तो इसका मामला यहाँ पर सीबीआई को सौंपा जाना चाहिए। पता नहीं सरकार किस चीज़ का इंतजार कर रही है इसको यहाँ पर। अब यहाँ पर सरकार को दो काम करने चाहिए, एक तो सीबीआई को जांच की सौंपनी चाहिए और दूसरी यहाँ पर इस पूरी परीक्षा को यहाँ पर रद्द करना चाहिए। दो काम यदि सरकार नहीं करती है तो इसके परिणाम उसको यहाँ पर भुगतने पड़ सकते हैं। दो स्टेप तो यहाँ पर सरकार को लेने होंगे ताकि वो यहाँ पर ये साबित कर सके कि हम भ्रष्टाचार को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। सीबीआई को जांच सौंपने के बाद इस परीक्षा को रद्द करना होगा, क्योंकि इतने नाम उजागर हो रहे हैं वो एक समस्या का विषय यहाँ पर हो सकता है। यूकेएसएससी का जो प्रोग्रामर था वो जेल में जो जा चुका है, और अब कौन तैयार करेगा रिजल्ट। यहाँ पर रैंक भर्ती प्रक्रिया की कई परीक्षाओं की जो प्रक्रिया है वो बाधित यहाँ पर हुई हुई है, और स्टाफ की भी भारी कमी यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। तो यूकेएसएससी ने नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर को यहाँ पर लेटर लिखा है NIC को, ताकि वो एक प्रोग्रामर को यहाँ पर भेज सके और हम जो उनका प्रोग्राम को सोल्व कर सकें। शिक्षा विभाग जल्द ही यहाँ पर 955 बेरोजगार को नौकरी देने की बात कर रहा है, और शिक्षा विभाग में ब्लॉक संकुल संतर्प व्यक्ति के रूप में 955 जो बेरोजगार है उनको यहाँ पर जो है नौकरी देने की बात की गई है। और अगर हम बात करते हैं, यह जो आउटसोर्स भर्तियां हैं ये मेरिट के आधार पर होने वाली है, और साथ ही 1000 शिक्षकों को जल्द ही बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान में 15-15 दिन के प्रशिक्षण के लिए यहाँ पर भेजा जा सकता है। तो शिक्षा विभाग जल्द ही यहाँ पर 955 बेरोजगारों को नौकरी देने की बात यहाँ पर कर रहा है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की, जहाँ पर नई वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है, और यहाँ के जो फॉर्म है वो फिल करने स्टार्ट हो चुके हैं 6 तारीख से, यानी आज की डेट से ही, और लास्ट डेट जो होगी वो 5-10 तारीख तक आप यहाँ पर इसको फिल कर सकते हैं अपने फॉर्म को। ₹500 यहाँ पर फी रखी गई है जनरल OBC OBW के लिए। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इसकी एज लिमिट क्या है, क्या क्या यहाँ पर इसकी ग्रेजुएशन जो रखी गई है, क्या क्या जो इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो कितनी है, तो 18 से 28 तक आप यहाँ पर इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियरिंग और AG 3rd जो कि हिंदी वाले पोस्टों के लिए है, मैक्सिमम एज यहाँ पर 27 है, और ऑल अदर पोस्टर्स तो कुछ के लिए 28 है, कुछ के लिए 27 है, तो आप जाकर एक बार यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और 5043 पोस्टों के लिए वैकेंसी है, आप इसको एक बार इसका नोटिफिकेशन भी यहाँ पर डाउनलोड कर सही तरीके से इसको देख सकते हैं। यदि आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर फॉर्म फिल कर दें। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। अब हम बात करते हैं UPSSC का जो PET वाला एग्ज़ाम है उसकी वैधता बढ़ाने की बात यहाँ पर की गई है। यदि हम बात करते हैं इसकी जो लिमिट थी वो यहाँ पर 1 साल की रखी गई थी, लेकिन यहाँ पर UPSSC का जो PET वाला एग्ज़ाम अक्टूबर माह में होने वाला है वो उसकी और भी डिले होने की बात की जा रही है कि वो अक्टूबर से दिसंबर या जनवरी माह में भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो डेट है वो अक्टूबर माह में यहाँ पर निर्धारित की गई है। तो PET वाला जो एग्ज़ाम है वो अक्टूबर में होगा, लेकिन इसकी वैधता यहाँ पर समाप्त होने वाली है सेप्टेम्बर में। तो अब जो UPSSC यहाँ पर ये करने वाली है कि जो PET की वैधता है उसको गैप को फिल करने के लिए पिछले वाले PET की यहाँ पर जो बदलता है उसको थोड़ा यहाँ पर बढ़ा सकती है। तो यहाँ पर ये न्यूज़ थी, तो काफ़ी जो अभ्यर्थी हैं जो यहाँ पर उनको यहाँ पर राहत मिलने वाली है। तो अगर आपको ये सब जानकारी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।